हेलो स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू जाने से पहले ही आप लोगों को कई बार ये डाउट्स कंफ्यूजन आते हैं कि सर एसएसबी में क्या ड्रेस पहननी है कुछ तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या हम स्टेज वन में जीन्स पहन के जा सकते हैं कुछ लोग पूछते हैं कि सर स्टेज वन में क्या हम टी शर्ट्स पहन के जा सकते हैं और पूछना तो और कई बार एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो कैजुअल्स में स्टेज वन और साइकोलॉजी में अपियर भी हो जाते हैं तो पूरे एस एस बी इंटरव्यू में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि डिफॉल्ट ड्रेस फॉर द एंटायर एस एस बी इंटरव्यू इज फॉर्मल्स ओके आपको फॉर्मल्स पहनने हैं एक्सेप्ट द आउटडोर और दी टीओ टास्क वेर इन यूनिफॉर्म इज टोल्ड टू यू इन दस इट सेल्फ ओके अब एस एस बी इंटरव्यू अगर हम जाते हैं सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ओके दिस ड्रेसिंग इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर द असर और आपकी ड्रेसिंग से ही असेसर आपका जो एटीट्यूड है उसका भी अंदाजा लगा लेते हैं कई बार आपको लगता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे अरे यार ये तो टी शर्ट में काम हो जाता है ये पता नहीं क्यों शर्ट पहना दी हमें क्यों ये ट्राउजर पहना दी बट प्लीज डू नॉट बी लेजी वाइल ड्रेसिंग अप ड्यूरिंग दी एस एस बी इंटरव्यू अगर हम फौजियों की बात करें तो फौजीज का एक थंब रूल होता है राइट रिग एट द राइट टाइम और वो राइट right रिग rig क्या है राइट रिग मींस ड्रेस ओके सो द स्पेशली द ऑफिसर्स दे आर ऑलवेज अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड एज पर द ओकेशन ओके ना तो कभी ऐसा होता है कि फौजीज अंडर ड्रेस्ड है ना ही कभी वो ओवर ड्रेस्ड होते हैं Clear? तो एज अ फौजी एस्पिरेंट आपको भी ये बेसिक थंब रूल ध्यान में रखना है ओके सो व्हेन यू आर गोइंग टू दी एसएसबी इंटरव्यू ड्यूरिंग दी एसएसबी इंटरव्यू यू मस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस ओके और आपके लिए अगर आप ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई रहता है कई बार आप देखते हैं कि आप कहीं गए हैं ओकेजन में और आप जो है सबसे ज्यादा एक अंडर ड्रेस्ड है बाकी लोग ओकेजन के हिसाब से ड्रेस होते हैं आपको शुरुआत से ही एक ऑड वन आउट की फीलिंग आने लगती है और यह ऑड वन आउट की फीलिंग आपको नेचुरली ना तो बिहेव करने देती है और आप हमेशा कॉन्शियस से रहते हैं एस इंटरव्यू में भी यही गलती होती है क्लियर सो एस इंटरव्यू के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए फर्स्ट ओके okay? योर ड्रेस इज दिंगल बिगेस्ट नॉन वर्बल कॉम्पोनेंट अबाउट यू ठीक है तो बिना कहे आपकी जो ड्रेसिंग है वह आपकी पर्सनैलिटी के आपके एटीट्यूड के कुछ ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और यह जो फर्स्ट इंप्रेशन है इसमें आप ये देख सकते हैं दैट दिस कम्युनिकेशन यू मेक अबाउट योर सेल्फ विद दर विदाउट इवन स्पीकिंग एनीथिंग ओके सेकेंडली यू मस्ट हैव प्रॉपर हेयर कट ओके शेव्ड एंड टर्बन शुड बी प्रॉपरली टाइड, क्लियर सो अदर देन सिख कैंडिडेट शेव इज नॉट अलाउड ठीक है तो आप जो बियर्ड में जाते हैं ना कई बार आपको लगता है कि अरे सर ये जो एक बहुत ही सटल सी बियर्ड रखी हुई है सर थोड़ा सा जो ये स्टड लुक है ये मेरे ऊपर सूट करता है बट एस एस बी में इसका कोई भी यहां पर सूटेबिलिटी नहीं है क्लियर सो अदर देन सिख कैंडिडेट्स लॉन्ग हेयर्स और लॉन्ग बियर्ड्स ओके और इवन सटल स्मॉल बियर्ड्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी वन एल्स ओके बेसिकली यहां पर अगर फॉर्मल्स की बात की जाए तो फॉर्मल ड्रेसिंग क्या है फॉर्मल ड्रेसिंग इज लाइट कलर्ड फुल स्लीव शर्ट ओके डार्क कलर्ड ट्राउजर विद मैचिंग बेल्ट एंड लेदर शूज विच आर प्रॉपरली पॉलिश ठीक है लेदर शूज प्रिफरेबली आपको ब्लैक पहनने चाहिए ठीक है बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर ब्लैक नहीं है मेरे पास डार्क ब्राउन है टेन है ओके सो प्लीज डू मेक श्योर दैट दे आर नॉट वेरी फंकी ना हो बहुत ज्यादा ठीक है ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा यहां पे पार्टी टाइप्स वो फील्ड है सो so, वो एक फौजी की तरह है। जैसे फौजी की यूनिफॉर्म में शूज जो होते हैं एक नीटली पॉलिश शूज होते हैं एंड दे आर पर ऐप्टर दिचुएशन uh, आपको भी ऐसे ही शूज पहनने हैं क्लियर एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर वियरिंग सॉक्स मैचिंग द कलर ऑफ योर ट्राउजर ठीक है ट्राउजर के कलर से मैचिंग सॉक्स जो है वो भी आप पहन दीजिए अवॉइड लाउड कलर्स अवॉइड डेनिम्स एंड प्रिंटेड फेब्रिक्स क्लियर तो प्रिफरेबली एक प्लेन शर्ट प्लेन ट्राउजर ओके और एक नॉर्मल ब्लैक और डार्क ब्राउन लेदर शूज क्लियर अवॉयड रिंग्स इयर रिंग्स ट्रिंकलेट्स और एनी अदर रिलीजियस आर्टिफेक्ट ड्यूरिंग दी एस एस बी इंटरव्यू विमेन कैंडिडेट शुड बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड टू प्रोजेक्ट पॉइज एंड ग्रेस तो बहुत ज्यादा आपको बहुत लाउड मेकअप नहीं करना है क्लियर इट शुड बी वेरी डिसेंट ओके वीअर फॉर्मल्स इफ पॉसिबल ओके प्रॉपर हेयरडो एंड मिनिमम मेकअप क्लियर तो गर्ल्स को कई बार डाउट आता है कि सर हम इंडियन फॉर्मल्स पहने या वेस्टर्न फॉर्मल्स पहने अब जब आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन जाएंगे तब भी तो आप लोग वेस्टर्न फॉर्मल्स ही पहनेंगे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ सो व्हाई नॉट इन एस इंटरव्यू क्लियर सो गो विद दी सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ओके एंड गो विद द वेस्टर्न फॉर्मल्स ओके नेक्स्ट अब क्या क्या आइटम्स आपको कंपल्सरीली कैरी करने चाहिए So items that you must carry, okay, dark colored trouser and light colored shirts, okay. So at least you must have three shirts, okay, and two trousers at least in during the SSB. Clear. Brown or black one pair of shoes, okay. And please do have a necktie for the personal interview as well as for board conference. Clear. Okay. इसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं वो सूट्स और साड़ीज भी पहन सकते हैं ठीक है फॉर द इंटरव्यूज बोर्ड कॉन्फ्रेंस एंड फॉर अदर टास्क ओके बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दी वेस्टर्न फॉर्मल्स एज एज दे वुड लुक डिसेंट ओके सारी सूट्स जो है वो भी डिसेंट लगते हैं क्लियर बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ वुड बी इन दी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स सो व्हाई नॉट नाउ ओके नेक्स्ट जीटीओ ड्रेस सो so बॉयज जो है दे हैव टू वियर व्हाइट शॉर्ट्स कॉलर्ड टी शर्ट्स एंड स्पोर्ट शूज क्लियर प्लीज डू कैरी टू पेयर ऑफ शॉर्ट्स टी शर्ट्स एंड सॉक्स ठीक है अब यहां पर जो आप सॉक्स कैरी करते हैं प्लीज डू केयर कैरी फुल लेंथ सॉक्स ठीक है फुल लेंथ सॉक्स कैरी कीजिए नो एंकल सॉक्स ओके इसके साथ साथ जो स्पोर्ट शूज आप कैरी कर रहे हैं प्लीज टू मेक श्योर दैट दे आर व्हाइट इन कलर ओके बेस्ट वहां पर आपके लिए पीटी शूज होते हैं बट इफ नीड बी यू कैन ऑल्सो कैरी दी स्पोर्ट शूज कई बार पी टी शूज जो है वो स्लिपरी हो जाते हैं और आपको आउटडोर टास्क में कई बार चोट लगने का भी खतरा होता है सो इन स्टेड यू कैन कैरी व्हाइट कलर स्पोर्ट शूज ठीक है फुली व्हाइट आप स्पोर्ट शूज कैरी कर सकते हैं इसके अलावा अगर व्हाइट स्पोर्ट शूज में कोई भी बेसिक हल्का फुल्का अगर डिजाइन भी है हार्डली टेन फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट अगर डिजाइन है तब भी चल जाएगा बट मेजोरिटी ऑफ दी कलर ऑफ योर शूज शुड बी व्हाइट ऐसा ना हो कि मेजोरिटी कलर रेड ब्लैक कुछ और था और सिर्फ व्हाइट की व्हाइट की स्ट्रिप थी क्लियर दी मेजर कलर इन योर शूज शुड बी व्हाइट विद व्हाइट सॉक्स क्लियर उसके अलावा बॉयज के लिए अनलेस एंड अंटिल इट इज मैंशनड ओके okay. कई बार आप जब विंटर्स में जाते हैं तो वहां पर आपको लगता है कि सर वाइट स्पोर्ट शूज क्या हम यहां पर जो वाइट शॉर्ट्स पहनेंगे या हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनेंगे सो अनलेस एंड प्लीज डू कैरी दी व्हाइट शॉर्ट्स एंड व्हाइट टी शर्ट ओनली क्लियर ऑन अ सेफर साइड यू कैन कैरी अ ट्रैक सूट ओके बट जब तक आपको बोला ना जाए आप यहां पर जी में अपने मन से ड्रेस चेंज नहीं करेंगे क्लियर वेयर एज ऑन दी अदर हैंड फॉर गर्ल्स ओके गर्ल्स व्हाइट कॉलर्ड टी शर्ट जो हैं वो जरूर लेके जाइए व्हाइट शॉर्ट्स भी आप पहन सकते हैं डार्क कलर्ड ट्रैक पेंट भी आप पहन सकते हैं और व्हाइट कलर्ड ट्रैक पेंट भी आप यूज कर सकते हैं क्लियर एंड यू मस्ट ऑल्सो हैव व्हाइट स्पोर्ट शूज विथ व्हाइट फुल लेंथ सॉक्स Clear, तो आपको भी जीटीओ में यही ड्रेसेस फॉलो करनी है एंड फॉर दायर एस एस बी इंटरव्यू प्लीज डू मेक श्योर दैट यू विल नॉट वियर वॉचेज एनी वेयर एनी टाइम इन दस एस बी ठीक है जब टेस्टिंग होगी असेसमेंट होगा उस टाइम पर वॉचेज अलाउड नहीं होती ओके नेक्स्ट तो स्टेज वन और साइकोलॉजी में क्या ड्रेस आपको पहननी है ओके सो दीज आर दी ड्रेसेस दैट यू कैन वेयर ओके गर्ल्स कैन ऑल्सो वियर सलवार सूट ओके बट एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो गो विथ दीज सेफेस्ट ऑप्शन क्लियर ओके सेकेंडली डोंट बी ड्रेस्ड लाइक दिस ठीक है बॉयज में नया फैशन है कि भाई आपने यहां पर uh, जो ड्रेसेस पहन रखे हैं इवन दो यू आर वियरिंग अ ट्राउजर एंड अ शर्ट ओके पर वो जो एंकल लेंथ आपकी ट्राउजर्स होती है प्लीज डू अवॉइड दम ओके एंड डू वीयर लेस्ड शूज ठीक है लेसेस वाले शूज पहनने हैं प्लीज डू नॉट वियर विदाउट लेसेस पार्टी वीयर शूज ओके सिमिलरली फॉर गर्ल्स ओके प्लीज डू मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर वियरिंग शुड बी डीसेंट एंड शुड कम इन दैटेगरी ऑफ फॉर्मल्स ओके नेक्स्ट इज हेयर स्टाइल ओके सो यहां पर दर्ल्स मस्ट हैव अ प्रॉपर हेयर डू ओके आपका जो यहां पर हेयर डो है वो एक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए क्लियर बॉयज टिपिकल आपको आ, यहां पर जो फौजी कटिंग है जरूरी नहीं है कंपलसरी नहीं है उसमें जाना है ठीक है बट प्लीज डू हैव शॉर्ट हेयर्स क्लियर अननेसेसरी जो आपके लंबे लंबे बाल है बिल्कुल जुल्फी स्टाइल जो है वो फॉलो नहीं करना है क्लियर नेक्स्टली इज ग्राउंड टास्क अब ये ग्राउंड टास्क की क्या ड्रेसेस हैं तो ग्राउंड टास्क में जैसा मैंने आपको बताया फॉर बॉयज ओके आप व्हाइट शॉर्ट ओके योर व्हाइट फुल लेंथ सॉक्स एंड व्हाइट शूज ओके इसके साथ साथ व्हाइट कॉलर टी शर्ट्स ओके जो गर्ल्स हैं दे कैन इवन हैव व्हाइट कलर्ड ट्रैक पेंट ओके इसके साथ साथ एसएसबीज में कई बार uh, ऐसा भी कैंडिडेट्स ने बताया गर्ल्स ने बताया है कि सर वी वर अलाउड टू वेयर व्हाइट शॉर्ट्स आल्सो ठीक है कई बार एस में गर्ल्स को यह भी अलाउ किया गया है दैट इनकेस दे डू नॉट हैट दे कैन हैव व्हाइट सलवार सूट ओके बट इट शुड बी इन वाइट एंड यू मस्ट बी वियरिंग स्पोर्ट शूज क्लियर तो ध्यान रखिए गर्ल्स जो है उन्हें किसी भी प्रकार से सैंडल्स में अलाउ नहीं किया जाएगा आउटडोर टास्क में एंड यू मस्ट वियर स्पोर्ट शूज ओनली क्लियर इसके साथ साथ आप डार्क कलर ट्रैक पैंट्स भी पहन सकते हैं ग्रे ब्लैक एनी कलर ट्रैक पैंट्स डिसेंट कलर ट्रैक पैंट्स कैन बी वॉन ओके तो so, ये सभी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए दीज आर दी ड्रेसेस दैट यू मस्ट हैव ओके प्लीज डू नॉट वियर सच एन अटायर क्लियर तो किसी भी प्रकार से ये टी शर्ट अलाउड नहीं होंगी प्लीज डू नॉट वियर सिमिलर लोअर्स और ट्रैक पेंट्स क्लियर तो यहां पर बाय डिफॉल्ट फॉर आउटडोर्स दी ड्रेस इज वाइट ओके इसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू और बोर्ड कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू और बोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए क्लियर बेसिकली यू मस्ट हैव दिस अटायर ठीक है गर्ल्स के लिए यह सेफेस्ट अटायर के तौर पर आप देख सकते हैं मोर ओवर दॉयज कैन हैव दिस क्लियर इन विंटर्स दॉयज कैन ऑल्सो वियर सूट ठीक है आप सूट भी पहन सकते हैं क्लियर इसके अलावा पूरी टेस्टिंग में भी अगर आपको लगता है कि साइक और स्टेज वन में भी बहुत ठंड है यू कैन ऑल्सो हैव पुलोवर्स के बट दे शुड बी डिसेंट एंड मस्ट कम अंडर दैटेगरी ऑफ फॉर्मल ओनली ओके प्लीज डू नॉट वियर हु और जैकेट और एनी अदर थिंग क्लियर सो पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड कॉन्फ्रेंस में आप यह भी पहन सकते हैं मोर ओवर दॉयज इन ऑल कंडीशन इन पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंसेज दे मस्ट वियर नेक टाईके नेक टाइज आप जरूर पहनिए इन ऑर्डर टू गिव अ मोर फॉर्मल लुक ठीक है किसी भी प्रकार से बो ठीक है क्रेवेट्स ये अलाउड नहीं है ओके लास्टली दीज आर दी डोंट्स ओके इवन दो जैसा मैंने बॉयज को पहले ही बताया कि फॉर्मल्स की कैटेगरी में कहते हैं सर ट्राउजर्स हैं चाइनीज कॉलर शर्ट्स हैं ठीक है बहुत ही जो चीनोज आपके ट्राउजर्स की कैटेगरी में आती है वो पहन रहे हैं आप फंकी जो कैनवस शूज पहन रहे हैं लोफर्स आप पहन रहे हैं प्लीज डू नॉट वियर सो मोर ओवर दी गर्ल्स शुड ऑल्सो वियर दी डिसेंट ड्रेसेस ओके लास्टली गर्ल्स को कई बार डाउट आता है कि सर एस एस बी में क्या पहनना है क्लियर सो एस एस बीज में आपको डिफरेंट अटायर दिखाए हुए हैं जो अलाउड होते हैं ठीक है तो आप यहां पर व्हाइट कलर सलवार सूट जो है वो भी अलाउड है व्हाइट कलर ट्राउजर्स आर ऑल्सो अलाउड ओके व्हाइट शॉर्ट्स आर ऑल्सो अलाउड एंड डार्क कलर ट्राउजर्स आर ऑल्सो अलाउड क्लियर मोर ओवर गो विद दीज सेफ ऑप्शन एंड दीज आर दी फॉर्मल ट्राउजर्स दैट यू मस्ट वियर इन दी अदर टेस्टिंग टाइम्स क्लियर तो आपका साइक स्टेज वर्क पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड कॉन्फ्रेंस दीज आर दैट यू मस्ट वेयर क्लियर तो गर्ल्स को यहां पर सबसे ज्यादा डाउट होता है आई होप यूर डाउट हैज बी रिजोल्व क्लियर ओके मोर ओवर फॉर बॉयज ऑल्सो आई है डूज एंड डोन्ट्स है स्टिल इनकेस यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज डू कमेंट In the comment section of this video below, okay, and let me know what are your concerns. So, all the very best, dress nicely, and go for the SSB interview. Jai Hind.